गुड मॉर्निंग। आइए आज का योग सत्र हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग एक बार फिर से ओम चैंटिंग का प्रैक्टिस करेंगे। पिछले बार हम लोगों ने जब यह किया था तो इसके इतने सारे फायदे देखने को मिले थे, है ना। और आज का सेशन ये 20 मिनट के आसपास का होगा, और इस 20 मिनट में हम लोग ओम चैंटिंग के अलग अलग तरीके जानेंगे, सीखेंगे। आइए। जब तक हमारी रिलेशनशिप अपने साथ ब्यूटीफुल नहीं होगी, हम दूसरों के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना, अपने से प्यार करना, अपना ख्याल रख पाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। आप नोटिस करेंगे, रेगुलर योगा प्रैक्टिस से ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आने लगेंगी। नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू द सात्विक योगा बिगनर कैंप। आज हम ओम चांटिंग पर फोकस करेंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे अंदर बहुत से ख्याल, बहुत से इमोशंस अंदर दबे रहते हैं। हम अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ बोलना चाहते हैं, आप अपनी वाइफ को कुछ बोलना चाहते हैं पर डर के मारे बोल नहीं पाते, आप अपने पार्टनर को कुछ कहना चाहते हैं पर आपको लगता है उन्हें बुरा लगेगा, कभी कभार आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो जाती है लेकिन आप सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से उसको अपने अंदर से निकाल नहीं पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में बचपन से दबी हुई रह जाती हैं और समय के साथ ये जो दबे हुए इमोशंस होते हैं ये हमारे शरीर में ही फंसे रहते हैं और समय के साथ ये बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों को होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस अंदर, वो इन दबे हुए इमोशंस की वजह से होती है। तो जो ओम चांटिंग है ये एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है इन पेंट अप इमोशंस को निकालने की। तो ओम जो शब्द है वो तीन सिलेबल से बना हुआ है, आ, ऊ और म। तो हम ये तीनों सेवन सेवन टाइम्स चांट करेंगे, आ, ऊ, म, और एंड में फिर हम पूरी जो ध्वनि है आम की जो ध्वनि है उसका उच्चारण करेंगे। तो जब आप आ चांट करें तो जो आपका ध्यान है, फोकस है, वो आपके नेवल पर होना चाहिए, मणिपुरा चक्रा पर। सो बेसिकली जो वाइब्रेशंस उस समय पैदा हो रही हैं वो आप अपने बेली पर फील करिए। जब हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो आपके अनाहाता चेस्ट पर होना चाहिए, वाइब्रेशंस को यहाँ पर हम फील करेंगे। और जब हम म चांट करेंगे तो जो हमारा फोकस है वो हमारे विशुद्धि थ्रोट चक्रा या इससे ऊपर होना चाहिए। सिंपल आ ऊ म और फिर एंड में आम चैंटिंग करेंगे 777+7 टाइम्स। सो लेट अस बिगिन एवरीवन। आप अपनी पीठ को एकदम सीधा रखिए, घुटने आपके फोल्डेड हैं, हाथ आपके घुटनों पर आएंगे फेसिंग अपवर्ड्स। आंखों को बंद कर लें, कम इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। रिलैक्स, एक गहरी सांस अंदर लेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड वी विल बिगिन।
अब हम ऊ चांटिंग करेंगे, तो अपना ध्यान अपने चेस्ट अनहाता पर रखिए। इनहेल
अब हम म चांटिंग करेंगे, तो अपना ध्यान विशुद्धि या उसके ऊपर रखें, थ्रोट एंड अबव। इनहेल, रिलीज, अब हम तीनों सिलेबल्स को कंबाइन करके आम चांटिंग करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, आ
Release. Stay with the vibrations of Om. अपना ध्यान अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर रखें। स्टे रूटेड विद इन योर सेल्फ। आंखें बंद ही रखें और शव आसन में लेट जाएं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। हाथों को रिलैक्स्ड छोड़ दीजिए। एंड स्टे इन शव आसन फॉर 5 to 10 minutes। आप इस चैंटिंग को दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। इफ यू फील इट्स बेनिफिटिंग यू कैन प्रैक्टिस इट ऑफन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। नमस्ते। इफ यू वांट टू लर्न द योगा फिलॉसफी इन डिटेल एंड वांट टू डीपन योर आसना एंड क्रिया प्रैक्टिस जॉइन अस फॉर द 21-day योगा चैलेंज। You can find the link in the description below. तो दिस वॉज एन अल्टीमेट सेशन है ना, और आपने इस सेशन को करने के दरमियान इस बात को महसूस किया होगा कि हमारे अंदर की जो दबी हुई भावनाएं होती हैं
वो इस चैंटिंग के दौरान बाहर निकलते जाती है ना। मुझे तो 3-4 बार अपनी आंखों को पोंछना पड़ा है ना, आंसू जो है वो बहने शुरू हो जाते हैं अगर आप इसको बहुत ही सीरियसली तरीके से कर रहे होते हैं। आज 8 बजे से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है जो नॉलेज सेशन है, और आपको बहुत उसमें जानकारी भी मिलेगी, मजा भी आएगा, आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे। तो ठीक 8 बजे जरूर जुड़िएगा, मैं वापस से एक बार लिंक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।